चुनाव खत्म होते ही नीतीश सरकार और राज्य प्रशासन अपने पूरे एक्शन मोड में है। वैशाली जिले की जिलाधिकारी उदिता सिंह जमकर व्यवस्था और विकास कार्यों का जायजा ले रही हैं, और न सिर्फ जायजा ले रही हैं बल्कि ढिलाई पकड़े जाने पर जोरदार फटकार भी लगा रही हैं। लोग खुश हैं, शायद इसी वजह से उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। वैशाली की डीएम उदिता सिंह ने आज सहदेई बुजुर्ग प्रखंड मुख्यालय के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र एवं छात्रावास भवन में महनार अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंड के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों के साथ सभी योजनाओं संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें विशेष रूप से जल नल योजना के कनेक्शन विस्तार की समीक्षा की गई। पीएचडी द्वारा किए गए इस कार्य में असंतोषजनक जानकारियां प्राप्त होने पर डीएम महोदया नाराज हो गई और पदाधिकारियों की जमकर फटकार लगाई और इसे शीघ्र ठीक करने को कहा। डीएम ने कहा कि सात निश्चय योजना में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी योजना में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम सर्द थी लेकिन निरादे में गर्मी साफ नजर आ रही थी। इस दौरान डीएम उदिता सिंह आरटीपीएस की खिड़की पर भी पहुंची और लोगों से उनकी सहूलियत का जायजा लेते हुए परखा। आवेदकों और जनता से भी रूबरू हुई। इस समीक्षात्मक औचक निरीक्षण में जिलाधिकारी के साथ तमाम जिला प्रखंड और पंचायत स्तर के अधिकारी, समाज सेवी, बुद्धिजीवी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। अनुमंडल स्तरीय रिव्यू करने के लिए आए थे तो पहले जनप्रतिनिधि द्वारा फीडबैक लिया गया है कि कैसा कार्य चल रहा है, विकास का कार्य और सरकार की सभी स्कीमों की समीक्षा की। जिला पे या इंदिरा आवास पे कोई मुद्दा हुआ रखा गया आज? जैसे आवास के बारे में बताया गया जो जनरल लोग का जितना भी द्वितीय किस्त है या तृतीय किस्त है, जो भी लाभार्थी का बचा हुआ उसको जो है से जल्दी भुगतान कर दिया जाए ताकि इस कड़ाके की ठंड में अपना मकान को पूर्ण करा करके अपना अच्छा से जीवन यापन कर सके, उसमें रह सके, ये कहा गया है वहाँ पे। और आपको डीलर के बारे में क्या कहना है? डीलर के ऊपर कोई बात हुई? डीलर के लिए जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली के लिए तो उसमें आवाज एक है मैडम महनार के उठाए हैं। क्या उठाए हैं? वही जो उनको कुछ किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, प्रमुख माना उनको साथ कुछ तो बतला रहे थे अधिकारी महोदय थे। सुना कि अंदर का पीएचडी विभाग के अफसर को डांट पड़ी, उसमें तो घोर लापरवाही। डांट पड़ी कि नहीं? बहुत बढ़िया से मैडम डांटे, जो सबसे ज़्यादा शिकायत आप ही का है। और उन्होंने मतलब जवाब नहीं दे पा रहे थे जितना उनका कमी है उस कमी के कारण, और बहुत जगह ऐसा है जो पानी अभी नहीं पहुँच। पनिशमेंट की बात भी मैडम बोली कि हाँ बोले 15 दिनों का उनको टाइम दिया गया है। अच्छा, ये आज जैसे मान के चलिए 1 तारीख तक 15 दिन बचता है इस साल का, शॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, नहीं तो जनवरी महीना में फर्स्ट वीक में उनको कार्रवाई होगी मैडम बताएं।